2013 हो या 2015 हो, आपके मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा भाग था कि आप 500 नए स्कूल्स बनाएंगे, 7 नए स्कूल ईच विधानसभा में, अगर मैं आपको 10 विधानसभाओं का 10 स्कूलों का डिस्काउंट भी दे दूं। आप इस विधानसभा के 7 स्कूल बताइए। पीछे एक तस्वीर लगी हुई है, जबकि ये तस्वीर है सत्येंद्र जैन और विधायक विनय मिश्रा ने ये कहा था कि 9 महीने के अंदर स्कूल तैयार हो जाएगा, वहाँ एक नई ईंट तक नहीं डली है। मैं आपके प्रपंच का गुब्बारा फोड़ रहा हूँ कि आपने ये दलील दी कि ये हमने फ्री में खाना बांटा। मैंने इस्कॉन से बात की, ये रिकॉर्डेड है, इस्कॉन ने कहा कि आपने 10 रुपये प्रति प्लेट उनको दिया है, 10 रुपये प्रति प्लेट में खाना आ गया, तो मैक्सिमम शेयर इस्कॉन का, नाम आम आदमी पार्टी का, ये तो गलत है ना। आपके यहाँ IIT से पास आउट मुख्यमंत्री हैं और हाँ, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई, आलोक जी रुकूंगा मैं यहाँ पे, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल सरकार की नहीं सुन रही और नरेंद्र मोदी के हिसाब से काम कर रही है, तो मतलब पुलिस काम नहीं कर रही है? पुलिस तो बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रही है। चलिए ठीक है, ये जैसा बता देंगे कि पिछले बार में उन्होंने 20 लाख की रिटर्न भरी थी और उनका 5 साल में पार्षद रहते हुए उनकी रिटर्न 2 करोड़ की आ रही है, तो 100% पार्टी टिकट काटते हैं, पक्का 101% गारंटी देता हूँ मैं आपको। एक विधायक जी आए थे, अब विधायक जी कैसे आए थे मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनकी गाड़ी के ऊपर MLA का साइन लगा हुआ था, गाड़ी का नंबर है 0005, गाड़ी किसी इंडस्ट्री के ऊपर है और सिंडिकेट बैंक से उसके ऊपर लोन लिया गया है। आम आदमी पार्टी का विधायक, इतना पैसा, 0005 नंबर बता दिया मैंने, क्योंकि गाड़ी उस व्यक्ति के नाम पे तो रजिस्टर्ड नहीं है, ये कंफर्म है, लेकिन MLA का स्टिकर लगा है, इसका मतलब गाड़ी में MLA साहब ही चलते होंगे या आप लोग भी सबको बांट देते हैं स्टिकर्स? इसके ऊपर कांग्रेस अपने को तो करप्ट नहीं बोलती थी, आप तो कहते थे ना कि ये करप्ट है जी, तो प्रकाश जायसवाल पार्टी में क्यों है? आपको नहीं पता लैंटर माफिया के साथ संलिप्तता उनकी पाई गई है, जेल होके आए हैं, 6 करोड़ रुपए का विज्ञापन आम आदमी सरकार दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए दे देती है। जिस परिवार के अंदर सैकड़ों मौतें हो गई हों, हजारों लाशें गिरी हों, उस परिवार का मुखिया कभी भी उस वर्ष खुशी नहीं मना सकता। उस 6 करोड़ रुपए को अगर वेलफेयर स्कीम के माध्यम से उन परिवारों तक पहुंचा दिया गया होता तो मैं अरविंद केजरीवाल को सलाम करता। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ ठीक है, सामने आपके साथी है कैमरामैन, हाँ वो क्यों नहीं मेरा इंटरव्यू ले रहे और आपके भी कैमरा चला? दिल्ली में औपचारिक रूप से अब नगर निगम चुनाव का डंका बज चुका है, तमाम पार्टियां तैयारियों में लग गई हैं, उम्मीदवारों ने अपनी अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है, चुनावी कार्यालयों की तो जैसे बाढ़ सी दिल्ली में नजर आने लग गई है। आम आदमी पार्टी को काफी उम्मीदें हैं कि 2022 के नगर निगम चुनाव में वो दिल्ली के निगम सरकार में भी अपनी भागीदारी बढ़ा पाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि चौथी बार उनकी सरकार बनेगी। सरकार बनने बिगड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उम्मीदवार, और उम्मीदवारों का सिलेक्शन करती है पार्टी। आम आदमी पार्टी ने इस बार नगर निगम चुनावों के लिए एक और स्ट्रेटेजी अपनाई है, SDMC, NDMC और EDMC स्तर पर ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया है। इन ऑब्जर्वर्स की क्या जिम्मेदारी होगी, ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी क्या रुख या क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाली है, ये जानने के लिए आज मैं दिल्ली नगर निगम के सबसे अमीर निगम SDMC के आम आदमी पार्टी के ऑब्जर्वर आलोक वर्मा के पास पहुंचा हूं। पहले तो आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। एक नया पद पार्टी ने इन्वेंट किया, SDMC ऑब्जर्वर, 104 सीटों का भार है आपके नाजुक से कंधों पर, कंधे झुके तो नहीं है? बिल्कुल नहीं झुके, और ये कोई भार नहीं है। हाँ। तो मैं बहुत ही अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ कि पार्टी ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया और मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। अब अनौपचारिक प्रश्नों को शुरू करते हैं, जल्दी चुनाव का बिगुल बजने वाला है तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप 2015 देखें या 2019 देखें, दोनों, माफ कीजिए 2020 देखें, दोनों विधानसभा चुनावों में आपकी जीत का जो एक प्रमुख मंत्र रहा है वो ये रहा है कि कांग्रेस का वोटर शिफ्ट हुआ है, कांग्रेस का वोटर आपकी तरफ शिफ्ट हुआ है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ने के बावजूद भी वो सत्ता से बेदखल रहे हैं। इसी बीच दो चुनाव और हुए हैं, 2017 निगम के और 2019 लोकसभा के, कांग्रेस का वोटर कांग्रेस के पास वापस गया है और आपकी सरकार नहीं बन पाई है, मंसूबों पे पानी लगातार फिरा है,
क्या लग रहा है कांग्रेस की तरफ अगर वापस वोटर पोलराइज हुआ तब तो हवा गई? कांग्रेस को वोट देना आप क्या मानते हैं? आज की डेट में जनता चाहती है कांग्रेस को वोट देना? देश की सबसे पुरानी पार्टी है, हर जगह संगठन है। आप लोग बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं कांग्रेस को। मैं कई कैंडिडेट से मिला हूँ, वो कह रहे हैं 500 नहीं मिलेंगे, 1000 नहीं मिलेंगे। नगर निगम का चुनाव है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 1000 वोट मिल जाते हैं जी। देखिए जा साहब, एक छोटी सी बात मिश्रा जी हाँ, कि एक बहुत छोटी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी को जनता दिल से प्यार करती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के विकास के लिए 7 सालों में जो कार्य अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने किए और पब्लिक के लिए जितने काम किए गए वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं। फ्री बिजली और फ्री पानी को हटा दीजिए, तीसरा काम गिनवाइए। एजुकेशन मेरे को जहाँ तक पता है मैं करेक्ट करता हूँ, 2013 हो या 2015 हो, आपके मैनिफेस्टो का एक बहुत बड़ा भाग था कि आप 500 नए स्कूल्स बनाएंगे, 7 नए स्कूल ईच विधानसभा में, अगर मैं आपको 10 स्कूलों का डिस्काउंट भी दे दूँ। आप इस विधानसभा के 7 स्कूल बताइए। पीछे एक तस्वीर लगी हुई है, जबकि ये तस्वीर है सत्येंद्र जैन और विधायक विनय मिश्रा ने कहा था कि 9 महीने के अंदर स्कूल तैयार हो जाएगा, वहाँ एक नई ईंट तक नहीं डली है। पिछले 2 साल से कोरोना का भी समय चल रहा है, कोरोना की वजह से आधे समय में लॉकडाउन रहता है, सरकार का बहुत सारा बजट, अगर हम राजनीति ना करें तो वो कोरोना से बचने में, उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में, राशन उपलब्ध कराने में और कोरोना से लड़ने में, उसके लिए नए हॉस्पिटल तैयार करने के लिए, ऐसा दिल्ली सरकार ही तो जो कि 15 दिन में 500 ICU बेड का हॉस्पिटल तैयार करती है, उस सब चीज़ों उसमें DRDO का सहयोग लगता है और DRDO केंद्र सरकार की संस्था है। कितना सहयोग लगता है? फंडिंग जो है पीएम केयर्स यूनिट से आपके पास वेंटिलेटर्स आते हैं, ICU बेड्स आते हैं, उस पर लिखा हुआ है पीएम केयर यूनिट, है कि नहीं? लेकिन क्या ICU और वेंटिलेटर से काम हो जाता है? हाँ, तो और क्या चाहिए आपको? एक जो है घर बनाने के लिए, हाँ, आप क्या मानते हैं सिर्फ ईट रोड़ी बदरपुर? हाँ, बस इससे नहीं, नहीं, आप आगे आइए, मैं काउंटर करूंगा। चौकटे, हाँ, टाइले, लेबर, उसके लिए आपके पास कौन आ जाता है? उसके पास आपके लिए राधा श्यामी सत्संग व्यास आ जाता है। देखिए ये सारे लोग तो आ ही जाते हैं। अगर आपको लगता है कि इतनी बड़ी चीजें ये लोग कर देते हैं, तो आप मुझे प्रूफ दिखाइए कि कोई भी एक इस्कॉन ने 5 लाख लोगों का प्रतिदिन खाना बनाया। आपने सुनिए आपने कहा नहीं, आप सुनिए हॉस्पिटल ICU, हाँ समझिए, हाँ, मैंने 500 बेड का ICU हॉस्पिटल 15 दिन में, मैं आपके प्रपंच का गुब्बारा फोड़ रहा हूँ कि आपने ये दलील दी कि ये हमने फ्री में खाना बांटा। मैंने इस्कॉन से बात की, ये रिकॉर्डेड है, इस्कॉन ने कहा कि आपने 10 रुपये प्रति प्लेट उनको दिया है, 10 रुपये प्रति प्लेट में खाना आ गया, तो मैक्सिमम शेयर इस्कॉन का, नाम आम आदमी पार्टी का, ये तो गलत है ना? देखिए क्या सिर्फ 5 लाख लोगों ने दिल्ली में खाना खाया? बहुत लोगों ने खाना खाया, उसके लिए केंद्र सरकार ने आपको राशन दिया। 40 लाख लोग डेली, हाँ, खाना बनता, ठीक है, और अलग अलग जगहों पे, ऐसा नहीं था कि वो एक ही जगह बनता, अलग अलग जगहों पे बढ़ता था। आज हम कुछ भी बात करें, आप उस टाइम पे सोचिए जिस टाइम पे कोरोना का टाइम चलता था, और उस टाइम पे लोगों को बुलाना, खाना खिलाना, लोगों के मन में ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि दिल्ली सरकार आपके साथ है, आप जिंदा हैं, और आप जब तक कोरोना चलेगा तब तक दिल्ली सरकार आपके साथ है। तभी प्रवासी दिल्ली से भागने लग गए। दिल्ली से भागने, आपने तुरंत वादा कर दिया कि किराएदार को मकान मालिक परेशान ना करें, किराया माफ करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक मकान मालिक का नाम बता दीजिए जिसने किराएदार का किराया छोड़ा हो, और आपकी सरकार ने क्या किया उस पे? आप पे तो भरोसा किया ना हमने। बहुत एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, आपने एक मकान मालिक, मैं हूँ, हाँ, आपने छोड़ा, आई एम ऑल ओनर, मैं भी ऑनर हूँ, हाँ, ठीक है, हाँ, और आप जाके मैं उनका नाम बता दूंगा, मैंने जितने महीने लॉकडाउन रहा 6 महीने, मैंने 6 महीने किराया नहीं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पड़ोसी का बताइए। हमारे पड़ोसी में भी, हमारे पड़ोस में ऐसा कोई, देखिए मैं जहाँ रहता हूँ ये सारे मिडिल क्लास लोग हैं, तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था, लोगों ने बहुत कुछ सहयोग किया। जब कोरोना काल था, हम आपको बात बताएं, मैंने और मेरे साथियों ने, हम लोगों ने 1 लाख मास्क बांटे डेली, हम कम से कम बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, 50 राशन की किटें हम लोगों को दे के आते थे, उसके हम पैसे किसी से नहीं लेते थे। ऐसे ये एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, ये आप जाइए, हमारे तिमारपुर के विधायक हैं दिलीप पांडे, ठीक है, आप पिछले 2 साल का उनका रिकॉर्ड देखिए, वहां जाके क्षेत्र की जनता से पूछिए कि कितना राशन उनके यहाँ से बटता था पूरी दिल्ली में, कितने लोगों के हॉस्पिटल में एडमिशन कराए। अमरलता सांगवान वहीं से निगम पार्षद है,
आप पे आरोप लगाती हैं, दिलीप पांडे पे आरोप लगाती हैं कि वहाँ जो नालियाँ बनी हैं उनके अंदर भारी करप्शन हुआ है। आपके यहाँ IIT से पास आउट मुख्यमंत्री हैं और हाँ बीजेपी के क्षेत्र में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो आपका काम है सड़कों के निर्माण में, सीवर के निर्माण में, अमरलता सांगवान ने आप पे आरोप लगाया। ये देखिए, आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, तो इसलिए आप भी डेली बीजेपी पे लगा देते हैं? नहीं, हम तो प्रूफ के साथ लगाते हैं, हम तो सारे कागजों के साथ लगाते हैं। प्रूफ के साथ लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? पिछले हमने हमने कितने सारे कंप्लेंट दर्ज कर दी, क्या फायदा हुआ उसका? सरकार उनकी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, रुकूंगा मैं यहाँ पे। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल सरकार की नहीं सुन रही और नरेंद्र मोदी के हिसाब से काम कर रही है? अरविंद केजरीवाल सरकार की, मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं, मैंने कोर्ट की बात की थी। कंप्लेंट जो है जैसे लॉन्च की जाती है, हम पुलिस फाइल कराते हैं, ठीक है, और जिन पे होता है वो हम कोर्ट में भी जाते हैं। तो मतलब पुलिस काम नहीं कर रही है? हाँ, पुलिस तो बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर। चलिए ठीक है, ये अच्छा स्टेटमेंट दिया आपने मेरे काम का है। हाँ। अगले बात पे आते हैं, मुख्य वापस लौटते हैं। 104 सीटों का आपके ऊपर जो है वो एक जिम्मेदारी है, और देखा जाए तो SDMC एक ऐसी सीट है जो अभी भी बीजेपी की तरफ ज़्यादा पोलराइज है एज़ कम्पेयर टू आम आदमी पार्टी। इनिशियल सर्विस जो हमारे हैं उसके अनुसार हम देख रहे हैं, क्या ऐसे मुख्य मुद्दे होंगे जिस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेंटर माफिया बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, एक निगम पार्षद, एक निगम पार्षद को कितना मानदेय मिलता होगा, एक एक साल में कितना मानदेय मिलता होगा? कुछ तो मिलता होगा, मीटिंग्स वगैरह में जाते होंगे, सेशंस वगैरह में जाते, 250 तो पूरे साल का अगर हम एवरेज निकाले तो कितना, 1500 गए, यही आपके पार्षदों को भी मिला होगा। आपके पार्षदों की इनकम नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी। अगर इस बार वो अपना दोबारा नॉमिनेशन करेंगे तो आलोक कुमार ये कह रहे हैं कि जितनी इनकम उनकी 2017 में थी उतनी ही 2022 में होगी, उतनी ही वेल्थ होगी। नहीं, वेल्थ तो देखो, अगर उनकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी, देखो एक पुरानी प्रॉपर्टी है, वेल्थ, चलिए अचल संपत्ति की बात करते हैं, अचल संपत्ति की बात करते हैं, सीधी बात, कैश में बढ़ोतरी नहीं हुई होगी, बैंक अकाउंट के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई होगी, 100%। आप एक भी केस ऐसा बता देंगे कि पिछले बार में उन्होंने 20 लाख की रिटर्न भरी थी और उनका 5 साल में पार्षद रहते हुए उनकी रिटर्न 2 करोड़ की आ रही है, तो 100% पार्टी टिकट काटते हैं, पक्का 101% गारंटी देता हूं मैं आपको। क्योंकि गाड़ियां तो आपके पार्षदों ने भी बड़ी बड़ी ले ली है, देखिए स्कॉर्पियो, फॉर्चुनर, संख्या बढ़ी है इनकी। हाँ, मैं आपको कल की बात करता हूँ। कल आपके ही पार्षद प्रवीण कुमार ने आई लव दिल्ली और नीरज चोपड़ा की जो वॉल है उसका शिलान्यास किया है। वहाँ पे एक विधायक जी आए थे। अब विधायक जी कैसे आए थे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि उनकी गाड़ी के ऊपर MLA का साइन लगा हुआ था, गाड़ी का नंबर है 0005, गाड़ी किसी इंडस्ट्री के ऊपर है और सिंडिकेट बैंक से उसके ऊपर लोन लिया गया है। आम आदमी पार्टी का विधायक, इतना पैसा कौन है? 0005 नंबर बता दिया मैंने, क्योंकि गाड़ी उस व्यक्ति के नाम पे तो रजिस्टर्ड नहीं है, ये कंफर्म है, लेकिन MLA का स्टिकर लगा है। इसका मतलब गाड़ी में MLA साहब ही चलते होंगे या आप लोग भी सबको बांट देते हैं स्टिकर्स? नहीं, स्टिकर बांटे नहीं जाते, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं। और मैंने गाड़ी का नंबर बता दिया आपको, मर्सिडीज है, 250D है और 0005 नंबर है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी आप समझिए, विधायक होने का तो ये मतलब नहीं है कि उनके अपने बिजनेस नहीं है, ये अपने कारोबार नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुनिए, कोई भी व्यक्ति अगर विधायक है उसके फैमिली बिजनेस भी होंगे। हाँ, बड़ी बहुत सीधी सीधी बात है। हमारे पास बहुत सारे विधायक हैं, अब माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी हैं, प्रकाश सिंह जी, उनके अपने बिजनेस है, अपनी इंडस्ट्रीज है, अपनी जमीने हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब आप मान रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी अमीर लोग खूब संख्या में हैं, तो उनका वर्चस्व भी हो गई? मैंने देखो बड़े गिनती के लोग हैं, लेकिन हैं गिनती के लोग नहीं है आपके पास, तो एक बड़ा धन कुबेर भी है आपके पास, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जिन पर कुमार विश्वास आपके पुराने साथी बिफर रहे हुए हैं। देखिए सुनिए, सांसद जो है सुशील गुप्ता जी पुराने राजनीतिक, ठीक है जी, तो आप उन्हें धन कुबेर की बात तो नहीं कह सकते, ये बात धन कुबेर तो, लेकिन वो जनता से जुड़े हुए नेता है, तभी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लगातार हारते रहे, ठीक है। तो नेता कैसे बड़े होंगे? नेता तो वो व्यक्ति बड़ा होगा ना जी। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़े, शीला दीक्षित को हराया, कांग्रेस अगर किसी को टिकट दे रही थी वो नेता नहीं था। अब से अगर कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस अपने को तो करप्ट नहीं बोलती थी, आप तो कहते थे ना कि ये करप्ट है जी, टिकट पे वही शीला दीक्षित भी हारी। हाँ बिल्कुल हारी, लेकिन क्या कांग्रेस के सारे धुरंधर हाँ हारे, बिल्कुल हारे। हार और जीत का फैसला नेता से नहीं करना,
ठीक है, हार और जीत का आम आदमी पार्टी देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा, जो मैंने पहली बात की, ऐसा फेस है हाँ, कि जिनके सामने अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सीमेंट की सारी दीवारें धराशायी होगी। शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री जी जो 15 साल मुख्यमंत्री, वो भी हार गई थैंक्स टू अन्ना हजारे दैट मूवमेंट 2011, वरना दिल्ली में आपके पास वॉलंटरी वेस्ट क्या था, वो इस बात में कोई दोहराई ही नहीं है कि इट वॉज, वो जो आंदोलन था उसके अंदर संघ के लोग भी थे सारे अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े, बिल्कुल। तो मैं ही कह रहा हूँ, तो हु इज अरविंद केजरीवाल, लेकिन उसके बाद में जब पार्टी बनाने का फैसला हुआ हाँ, तो अरविंद केजरीवाल जी ने, तो आपने देखा ना पॉलिटिकल करियर उस तरफ है, तो सबने अन्ना का साथ छोड़ दिया, जितना यूज करना था अन्ना का कर लिया, तभी तो अन्ना जी कहते हैं कि कीचड़ की बात क्यों कर रहे हो। किसी ने छोड़ा नहीं, अन्ना जी खुद नहीं चाहते थे पॉलिटिकल, लेकिन जब हमने ये बात देखी, हमने देखा, सोचा, समझा, सीखा कि अगर आपको करप्शन को खत्म करना है तो आपको पॉलिटिकल बहुत सुंदर पड़ेगा। तो प्रकाश जारवाल पार्टी में क्यों है, क्यों, क्या हुआ प्रकाश? आपको नहीं पता लैंटर माफिया के साथ संलिप्तता उनकी पाई गई है, जेल होके आए हैं। कब होके आए? जेल होके आए हैं जी, 2 महीने जेल में रहे हैं, 1.5 से 2 महीने वो जेल में रहे हैं, बकायदा बड़ी बड़ी कटिंग हुई है, एक व्यक्ति ने प्रकाश जारवाल की वजह से सुसाइड किया है, और आप ही की पार्टी थी जिसने 2013 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो राजौरी गार्डन से जो आपका कैंडिडेट था उसके ऊपर उसकी टिकट काट दी थी। तो वो राजनीतिक स्टेटमेंट है और ये राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज है, जहां जितेंद्र तोमर की टिकट काट के प्रीति जितेंद्र तोमर को दी जाती है, जबकि वो जिनकी वजह से त्रिनगर विधानसभा में पार्टी की खूब आलोचनाएं हुई थी। देखिए जितेंद्र तोमर जी अभी भी जी लगा रहे हैं आप, तो किसी को सम्मान देने में कोई बात तो नहीं है, लेकिन मैंने आपसे भी, आपको भी संबोधित किया, मैंने मिश्रा बहुत सुंदर, और तब सुनो योगी बोल देते हैं ट्विटर पे जाके अरविंद केजरीवाल, हम तो नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, अभी आपकी मेरी बात हो रही है, पार्टी का, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है आप। हाँ, तो देखिए किसी भी व्यक्ति को सम्मान देना, हाँ, हम कोई भी व्यक्ति चाहे करप्ट हो, देखिए व्यक्तिगत सम्मान तो आप हरेक को देंगे, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको भी सम्मान दूंगा जी, और मैं आपको भी दे रहा हूं, जो भाई लोग हैं मैं जो उन्हें भी सम्मान दूंगा, सम्मान देना जो है वो हमारे आदर्श, हमारे स्वभाव को दर्शाता है। अभी आपके सारे नेता तो पॉलिटिकल टूरिज्म पे है, हालांकि पॉलिटिकल टूरिज्म एक शब्द है जो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन द फैक्ट इज कि पॉलिटिकल टूरिज्म पे आप हैं, मुझे अच्छा लगता है, पॉलिटिकल टूरिज्म में नहीं है। आज कौन सी डेट है? आज आपकी डेट 14 तारीख, ठीक है, आज मेरी बात नोट कर लीजिए, देश ये 2 राज्य हाँ, गोवा और उत्तराखंड हाँ, आज बदलाव के लिए मोहर लगा रहे हैं, इसे आप पॉलिटिकल टूरिज्म कह दें या कुछ भी कह दें, लेकिन देश में एक बदलाव की आंधी आ रही है, इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, उसे हम इस या कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा, इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अरविंद केजरीवाल जी का जो काम करने का तरीका है, जो उनकी सोच है, वो धीरे धीरे जनता तक पहुंच रही है, हाँ। चाहे आप उसे बहुत छोटा मुद्दा कहते हैं, चाहे जो बड़ा मुद्दा कहते हैं, अभी मैंने आपसे बड़ी एक बात कही थी, हाँ। जिसपे आपने मुझे काउंटर किया कि जी, मैंने जब कहा कि 500 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल हम बना देते हैं, हाँ। कितनी सरकारों ने पूरे हिंदुस्तान में हाँ। ये काम बड़े लोगों, इतना एफिशिएंट मुख्यमंत्री था, फिर भी कोविड के टाइम में ऑक्सीजन के लिए दिल्ली तरसती रही, रेमडेसिविर नहीं मिल पाए, कई ऐसे इंजेक्शंस थे जिनकी खूब ब्लैक मार्केटिंग हुई, और इतना एफिशिएंट मुख्यमंत्री था कि जिसके सारे विधायकों के, मैं आपको बताऊं, आपकी विधानसभा से कई लोगों ने मुझे संपर्क किया था, आपकी पार्टी के लोगों ने संपर्क किया था। आप तो बहुत ही सुघर जो है पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, जो चीजें कोटे के माध्यम से वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स कर, ठीक है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोटा, आपको एक बात समझिए, एक बड़ी, मैं सीधे सीधे, आप पूरी बात करिए, मेरे पास काउंटर है, हाँ, नहीं नहीं जनरल भाषा में एक जो सीधी बात करता हूँ कि आज हम 2 रोटी खाते, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें 2 रोटी असाइन करी हुई है, लेकिन कल मेरी जो है जरूरत, मेरे घर में 4 गेस्ट हैं और मेरी जरूरत 8 रोटी की होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 2 के बजाय 3 रोटी देगी तो भी काम नहीं चलेगा, मेरे घर में लोग भूखे रहेंगे जब तक मुझे 8 रोटी नहीं मिले जी, बिल्कुल ठीक है, सहमत। और दिल्ली में जो है उस टाइम पे, उससे पहले कभी भी ऐसी आपदा पूरे विश्व में नहीं है, अच्छी अच्छी कंट्रीज फेल हो गई, यूएस से लेके यूरोप तक, और मेरा मानना सिर्फ इतना है कि दिल्ली सरकार ने जितना काम किया, हमें कोई राजनीतिक उस पर संज्ञान ना लेते हैं,
हमें ये बात ये कहनी चाहिए और अप्रिशिएट करनी चाहिए। नहीं देखिए माहौल, जैसे कि कोविड का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो, हाँ ठीक है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दिल्ली सरकार को भी देता हूँ और निगम को देंगे बधाई कि नहीं देंगे। नहीं, उसमें निगम को भी 30 लाख वैक्सीनेशन तो उन्होंने भी किया है, उनके स्कूल्स में उनके कर्मचारियों ने 30 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया है। मैं बधाई दूंगा, हाँ, कि उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध कराई, हाँ, मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद दूंगा, बहुत बड़े। लेकिन आप एक बात समझिए कि हमें कुछ मुद्दे राजनीति से परे हटा के बात करनी चाहिए। बिल्कुल, कोविड एक ऐसा मुद्दा है जिसने हर घर को ठेस पहुंचाई करीब करीब, ठीक है ना, लोगों का कोई ना कोई आरा प्यारा, मतलब बहुत, मैं खुद दोनों टाइम पे कोविड में रहा और सीएम रैप भी था मैं, हमने काम भी बहुत की, बहुत सारे जितनी मदद करने की कोशिश करी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कि हमें मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। क्या लगता है कि कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, चाहे चलिए आपकी भाषा में कहें, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे राज्य सरकार की तरफ से, चाहे निगम चुनाव की तरफ से, वोटर उसको सोच के वोट देगा? देखिए, अगर मिसमैनेजमेंट एक बार हुआ, देखिए एक बात समझिए, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आप सुनिए, आप कभी बिहार, यूपी, छोटी छोटी जगहों पे भी आप रहे होंगे। बिल्कुल, मैं बिहार बॉर्न हूँ, ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ, ठीक है। हाँ, होता क्या है कि हम रात को सो रहे होते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो मालूम पड़ा बाढ़ आना, बाढ़ आना, ऐसा होता है? होता है जी, बिल्कुल होता है। अगर आपको बाढ़ की चेतावनी पहले से मिली होती है, हाँ, तो हम अपने मकान का सामान भी शिफ्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, हाँ। लेकिन ऐसा हर साल होता है कि बेचारे लोग जैसा सामान है वैसे ही रखा रह जाता है, एकदम से कोई चीज आती है। अगर आपको याद होगा तो पिछले बार का कोरोना जो था वो 5-7 दिन में विकराल रूप ले लिया था। वैक्सीनेशन नहीं हुए थे लोगों के, उस टाइम तक वैक्सीनेशन बहुत सारी ना तो बनी थी, ना वो जो है अप्रूव्ड हुई थी, ना वो लगी। अब इस बार तो ओमिक्रोन आया और बड़ी तेजी से बढ़ा, 30,000 केस भी दिल्ली में है, लेकिन चीजें सब कुछ अंडर कंट्रोल तो तब मानी जाएंगी सर, मैं फिर कहूंगा अंडर कंट्रोल चीजें तब मानी जाएंगी जब लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। अब समझिए, अब ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है क्या? हाँ जी, कमर्शियल। लॉकडाउन था, रोजगार चला है आपका, आप मेरे को जहां तक जानकारी है आप ही के परिवार का वेंचर है खूबसूरत मेकओवर्स, काफी चलता है, और ये जो इवेंट्स वगैरह की शादियों वगैरह का जो काम है धंधा है बहुत इम्पैक्टफुल रहा है, तो मैं ये चीज़ जान सकता हूँ कि आपकी इनकम में कमी आई होगी। इस वक्त सरकार से हम क्या चाह रहे होते हैं, चाहे वो निगम की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, कि एज अ ह्यूमन हम पे थोड़ी सी रियायत बरती जाए। फिक्स चार्ज के नाम पर आपने तब भी उन दुकानों से पैसे वसूले हैं, हाउस टैक्स के नाम पर MCD ने तब भी पैसे वसूले हैं। जब आप फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने सिविलियंस को तो दिया, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, लेकिन क्या एक मध्यम वर्गीय व्यापारी फिक्स चार्ज के अंदर 3 महीने की रियायत महसूस नहीं कर सकता, अपेक्षा नहीं रख सकता इसकी? आपकी बात तो लॉकडाउन लगेगी सिर्फ वीकेंड, मैं तीन बार की बात कर दूं सर, तीन बार की बात कर दूं, हाँ पिछले दो बार की बात करते, लंबे लंबे लॉकडाउन है पिछले दो बार में, पिछले बार भी देखिए, एक बात समझिए, जब लॉकडाउन रहता है सिस्टम आप उससे बेहतर समझते हैं, जब लॉकडाउन रहता है तो सभी चीजें बंद रहती है, सरकार कैसे चलती है? सरकार उसी से चलती है जब जनता के टैक्स के पैसे, GST के पैसे वापस चाहिए, पैसे आते हैं, तभी उसी से विज्ञापन भी चलेंगे। विज्ञापन कितने दिए जाते हैं? 6 करोड़ रुपए का विज्ञापन आम आदमी सरकार सिर्फ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए दे देती है। 1,000 करोड़ रुपए के बजट वाले स्टेट में, हाँ, 6 करोड़ का विज्ञापन 30 मिनट के लिए, 6 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। 30 मिनट्स का एक प्रोग्राम, मुख्यमंत्री दीपावली पूजा कर रहे, स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम इन ऑल न्यूज चैनल्स। दिल्ली की आप लोग बात करें, हाँ, अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करें, हाँ, तो एक यात्रा पे 200-250 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अच्छा, तो मतलब आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जा रहे हैं और क्या क्या वहाँ पे होता है, वो देश की प्रगति के लिए कुछ भी जो भी आपसी दूसरे दूसरे साथ एग्रीमेंट होते हैं वो सब चीजें स्पॉन्सर्ड होती हैं, सारे न्यूज चैनल स्पॉन्सर्ड होते हैं, सब चीजें होती हैं। तो मैं नहीं मानता कोई बहुत जो बड़ी बात है। और अच्छा, जो दिवाली पूजा थी, दिवाली पूजा पे आप एक बात समझिए कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सीधे सीधे आह्वान किया था, क्योंकि कोरोना का कोविड का भी टाइम था कि आप सब लोग घर में बैठे, हम सारे दिल्ली वासी मिलकर 7 बजे हम दिवाली पूजा, जिस परिवार के अंदर सैकड़ों मौतें हो गई हों, हजारों लाशें गिरी हों, उस परिवार का मुखिया कभी भी उस वर्ष खुशी नहीं मना सकता,
उस 6 करोड़ रुपए को अगर वेलफेयर स्कीम के माध्यम से उन परिवारों तक पहुंचा दिया गया होता तो मैं अरविंद केजरीवाल को सलाम करता। आप ही की विधानसभा में रविकांत नाम का एक लड़का था सर, सिविल डिफेंस में काम करता था, दुर्गा पार्क के अंदर रहता था, कोविड के टाइम में ड्यूटी कर रहा था, एक्सीडेंट हुआ, मौत हो गई। 1 करोड़ रुपए के आश्वासन राशि की बात आपकी पार्टी ने की थी। कोविड से उसकी मौत नहीं हुई है लेकिन कोविड ड्यूटी पे तो मौत हुई है। 6.5 लाख रुपए मिले उस परिवार को। 19 साल का जवान लड़का ड्यूटी करके आता था, शाम में अंडे की रेडी लगाता था। वो व्यक्ति टीवी पे बैठ के अरविंद केजरीवाल की पूजा देखेगा? आप मजाक कर रहे हैं सर। देखो सर, ऐसा है, एक बात, हमारा देश धार्मिक भावनाएं और आस्थाओं के साथ भी जुड़ा, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ठीक है, लक्ष्मी पूजन जो है वो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि दिवाली में हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। आप ये नहीं मानते कि ये एक निजी मसला है, इसको आराम से कम खर्चे के अंदर कट डाउन करके किया जा सकता था? वो तो कम ही खर्चा है। आप एक बात समझिए, पूरे देश को, पूरी दिल्ली को ये, अगर ये बात कही गई है कि हम सब मिलके दिवाली मनाएंगे, वो बड़ा खर्चा जब होता जब हम ये करते कि हम 10,000 लोगों को कहीं इनवाइट करते और वो 10,000 लोग सारे इकट्ठे पूजा कर रहे होते, उनके खाने पीने इस पे उस पे एक भव्य समारोह होता, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ पूजा ही तो थी। उस पूजा को दिखाने के लिए बस 6 करोड़ रुपए खर्चे थे। पूजा को तो सारे चैनल दिखाई रहे, 30 मिनट के लिए 6 करोड़ रुपए खर्चे। देखिए आप, ये 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ये बात आप मुझे बता रहे? आप सर, आप SDMC ऑब्जर्वर हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि अगले दिन न्यूज़पेपर की कटिंग्स में 60,000 करोड़ रुपए जिस दिल्ली का बजट हो, और दिल्ली की जनता को ये बात करने के लिए, दिल्ली की जनता को, आप इस पे ये भी देखेंगे कितना बड़ा होता है कि दिल्ली की जनता ने इकट्ठे बैठ के वो पूजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60,000 करोड़ रुपए में से 6 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1500 रुपए बड़ी बात होगी सर, 10,000 रुपए बड़ी बात होगी, बताइए। सिविल लाइंस, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर, 26 जनवरी से वहां पे आंगनवाड़ी की हेल्पर्स वर्कर्स धरने पे बैठे हुए हैं, पार्टी के नेताओं ने सुध नहीं ली है। 2022 की दिल्ली सैलरी कितनी? 4500 रुपये, 9,500 रुपये। डिमांड क्या है? 25,000-20,000 रुपये बेसिक सैलरी पे, जिसकी बात कह के आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, क्या उनको ये पैसे नहीं दिए जा सकते? बिल्कुल दिए जा सकते। तो क्यों नहीं बात कर रही है सरकार उनसे? 26 तारीख आज 14 तारीख है, पिछली बार 58 दिन बैठना पड़ा था उनको। देखिए समझिए, मुझे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के बारे में मुख्यमंत्री निवास पर बैठे, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। अच्छा। और अगर मुख्यमंत्री जी को जानकारी है तो उन मुख्यमंत्री का कार्यालय और मुख्यमंत्री जी उस पर जरूर कार्रवाई कर रहे हैं। कितने दिनों बाद? देखिए कोई भी चीज ना भाई साहब, एक बात समझिए, कोई भी चीज हलवा नहीं होती कि 10 मिनट में बनाया और खा लिया। 19 दिन हो गए सर, 19 दिन में तो कोई भी हलवा बन जाएगा। कितने कार्य, चलो मैं आपकी बात को बढ़ा, कितने दिन का प्रोटेस्ट था आपका अन्न आंदोलन का? सुनिए, कितने कर्मचारी है? छकड़ों की संख्या में 5,000 की संख्या में, 5,000 की संख्या को हर कर्मचारी का आपके हिसाब से कम से कम 10,000 या 5,000 वेतन बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बेसिक सैलरी पे दीजिए कम से कम। 5,000 × 5,000 कितना पैसा? 2,50,000, 2.5 करोड़ लगे। अब आपको वो रेगुलर देना है? बिल्कुल देना है। तो आपको उसके लिए बजट भी चाहिए होगा, प्रावधान, वो खर्चा कैसे? 60,000 करोड़ का बजट है सर, 60,000 करोड़ की परियोजनाएं भी चल रही है। अच्छा, तो उसमें से 6 करोड़ रुपए किस परियोजना से निकाल के एडवर्टाइजमेंट में खर्चे गए? वो सारा जो है, देखिए आप, कोई भी खर्चा होता है, आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी है तो एक प्लांट सेक्शन होता है, अनप्लांट सेक्शन। प्लांट सेक्शन वो होता है जिसके लिए पूरी सरकारें बजट बनाती हैं, सब कुछ करती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या चाहे हम अपने घर का भी बजट बनाते हैं। आपका न्यूज चैनल भी बजट बनाता होगा कि इस महीने की हमारी इनकम ये है और हमारा खर्चा ये है, हम उसे प्लस माइनस करके बराबर कर देते हैं कि इस खर्चे को यहाँ करना है, इसको यहाँ करना है जी। अब की बार हम जो है पनीर हफ्ते में एक दिन खाएंगे, अब की महीने हम पनीर नहीं खाएंगे, अब की महीने प्याज जो है 100 रुपए किलो हो गया। तो आपने आम आदमी पार्टी से बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है, या आप मेरे को लगता है कि पब्लिक से कनेक्ट करना चाह रहे हैं इसलिए उनके घर में घुसना चाह रहे हैं। आलोक जी, एक और चीज, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि मैं जिस वार्ड का निवासी हूँ, उस वार्ड के लोगों का कहना है, या उस वार्ड के जो पूर्व प्रत्याशी रहे थे, उन बेचारों ने तैयारियां करनी सिर्फ इसलिए बंद कर दी क्योंकि SDMC ऑब्जर्वर ही उनके वार्ड का है। तो उनका कहना है कि भैया हमारा वाला तो यहीं से लड़ेगा चुनाव। हम एक छोटी सी बात करते हैं, मेरे ऑफिस से उठ के बाहर चलते हैं और बाहर आप देखिए कितने लोगों के पोस्टर लगे हैं, सैकड़ों की संख्या में मेरे ऑफिस के सामने अलग अलग लोग। तो जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं
क्या वो तैयारी नहीं कर रहे? मेरे हिसाब से आपके वार्ड का तो एक ही व्यक्ति पोस्टर लगा रहा है और वो कहीं से भी टिकट लग जाए तो मांग रहा है। बहुत सारी चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में आते हैं, संगठन पे आ जाते हैं। आप लड़ेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा। आपको कौन मना करेगा, आप तो ऑब्जर्वर हैं। ऐसा नहीं होता है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और पीएससी डिसाइड करती है। हाँ, पीएससी में है आप? नहीं। अच्छा, आप नहीं है। क्या उम्मीदवारों के लिए क्राइटेरियाज क्या होंगे? क्योंकि हमने देखा कि 2013 में क्राइटेरियाज अलग थे, 2015 में क्राइटेरिया में थोड़ी सी ढील दी गई, और 2020 के चुनाव में तो आपने क्राइटेरिया में जो ढील दी, मतलब कि राम सिंह नेताजी हों, शोएब इकबाल हों, भर भर के लोग पार्टी में आए, सब चीजें ना, इस बार क्या होगा प्रोसेस? फिर भी सर्वे बहुत बड़ा मीनिंग रखेगा। हाँ, सर्वे हो चुके हैं या चल रहे हैं अभी? नहीं, सर्वे हो रहे हैं, हो चुके हैं, पिछले एक साल से सर्वे चल रहे हैं। करीब सुनने में आया 45-46 सर्वे करवाने के मूड में आप लोग? बहुत सारे हो चुके हैं। हाँ, अलग अलग हर आदमी की उसकी विचारधारा, उसकी पब्लिक के बीच में कनेक्टिविटी और उसका करेक्टर, वो सब चीजें मीनिंग रखी जाए। आलोक जी, जनता से मैंने कई बार बात की और आपके पार्टी के नेताओं से भी ऑफ द रिकॉर्ड कई बार बातचीत की। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो खुद आम आदमी पार्टी है। मेरी सहमति इसके साथ रहती है। वजह, आपकी पार्टी के अंदर कियोस बहुत ज़्यादा हो गया है, इस बार मैं मानता हूँ। आपके पास 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग हैं, आपके साथ परिवर्तन एनजीओ के टाइम के लोग हैं, आपके साथ 2013 विधानसभा से पहले जुड़े हुए लोग हैं, 15 विधानसभा से पहले जुड़े हुए लोग हैं, 20 में जुड़े हुए लोग हैं, और सब दावेदार हैं। पार्टी चुनेगी किस आधार पर? अच्छा, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ, आप ही का सामने आपके साथ ही जो कैमरा मैन है। हाँ, वो क्यों नहीं मेरा इंटरव्यू ले रहे और आप क्यों नहीं कैमरा चला रहे? ये उनका काम है, ये मेरा काम क्या? है। हाँ, तो पार्टी में इसी तरीके से हर तरीके के लोग हैं। तो आप ऑब्जर्वर हैं ना, तो आप मेरे को इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, कैंडिडेट्स तैयारी करेंगे? हर तरीके के लोग हैं, जिसका जो कार्य क्षेत्र होता है, जो जिस कार्य क्षेत्र में जो है अपनी अपना वो रखता है कि मैं इस कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, वो व्यक्ति हमारी पार्टी में वो काम कर रहा है। ठीक है, चाहे कोई सोशल मीडिया देखता है, चाहे कोई संगठन देखता है। मैं भी 10 साल से संगठन देख रहा, ठीक है, अभी भी संगठन का ही काम देख रहा हूँ। तो उसके बाद में सबकी कार्यशैली को और कार्यप्रणाली को देखते हुए पार्टी और शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी पीएसी से एक ही फैसला करते हैं कि कौन व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से चुनाव लड़ सकता है और कौन व्यक्ति पार्टी को जीत दिला सकता है, किसकी कनेक्टिविटी पब्लिक के बीच ज़्यादा अच्छी है और कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से सुचारू ढंग से भ्रष्टाचार फ्री शासन। एक और बात तो बोलिए, कौन कितना फंड ला सकता है? अच्छा, ऐसा भी है क्या? ऐसा नहीं होगा तो फिर पार्टी चलेगी कैसे, ये बताइए आप मेरे को। मुझे आप, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है कि अब तो आपने अपनी पार्टी की वेबसाइट से चंदा देने वालों के नाम भी हटा दिए। मुझे आप सिर्फ वो एक व्यक्ति बताइएगा। हाँ, जिसने कि पैसे देके अभी टिकट ली। देखिए, मैं जब क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं कुछ प्रबुद्ध लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ आपके विपक्षियों से भी बातचीत कर रहा हूँ। मैं नाम भी ले लेता हूँ, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। मैं चूंकि हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए संभावित उम्मीदवार कौन होंगे, वो एक अच्छे कैंडिडेट का नाम देते हैं कि इस व्यक्ति ने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, मतलब ये अगर हमारी पार्टी में होता तो मुझे लगता है कि हम और भी ज़्यादा मजबूत होते। और फिर एक और नाम ले लेता है, मतलब भाई ये पैसे वाला आदमी है और ये टिकट ला सकता है। तो ये परसेप्शन क्यों बन रही है दिल्ली वालों के दिल में? देखिए, ये तो अब क्यों बन रही है इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि देखिए आपका काम है परसेप्शन तोड़ना सर, आप संगठन के आदमी हैं। मुझे तो 10 साल हो गए। हाँ, और करीब 8 चुनाव में पार्टी के साथ में काम कर चुका हूँ। मैंने तो आज तक कभी भी नहीं जो देखा कि पार्टी ने पैसे के लिए कोई काम किया। ठीक है, हम जनता से चंदा मांगते हैं, हमारी वेबसाइट पे चंदा आता है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खुद डिनर टी लोगों, अच्छी चीज है वो, बहुत बढ़िया चीज है। कहते हैं कि जनता के पैसे से हम लड़ेंगे तो हम जनता के लिए काम करेंगे, बहुत बढ़िया। अगर सर, आज मैं किसी एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए चंदा लेता हूँ तो उसके लिए काम करने की लायबिलिटी हो जाएगी। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार उस व्यक्ति ने दिया है। हाँ, ये तो हमारे देश में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि रातों रात अडानी की और अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़ रही है और क्यों। मेहनत भी तो कर रहे हैं ना वो लोग, ऐसी बात नहीं। आप चला सकते हैं रिलायंस, टाटा को चलाने के लिए बिडिंग, टाटा को चलाने के लिए बिडिंग मांगी गई, एयरलाइंस को, एयर इंडिया को चलाने के लिए बिडिंग मांगी गई ना। अब सबसे ज्यादा बिडिंग अगर टाटा ने की तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप बताइए, हम मेरे को इंडियंस का परसेप्शन बहुत बुरा लगता है कि विदेश में कोई याहू का बंदा इंडियन हो जाए
तो वो इंडियन रॉक्स एंड ऑल, और इंडिया में जो हमारे अपने इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, मतलब इंडिया में टेस्ला आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन टाटा ने इतनी बढ़िया नेक्सॉन बना दी तो बहुत खराब। मैं देखो आप बात कुमार, मैं ये कह रहा हूँ रातों रात जो संपत्ति बढ़ती है वो जो कैसे बढ़ती है। हाँ, शेयर मार्केट है, बहुत सारा बिजनेस है। हाँ बिल्कुल है, मुंबई इंडियंस के 100% की हिस्सेदारी है, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आपके मालिक भी अब नहीं बोलते हैं ज्यादा इन लोगों के बारे में, पहले बोलते थे। मालिक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मालिक, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। नहीं, उन्होंने 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 विधानसभा में कहा था दिल्ली के मालिक हम हैं, इसलिए मैं संबोधित करने का राइट रखता हूँ। देखिए एक बात है, हमें किसी भी समय सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और आप तो इतने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। मैं हर चीज का रेफरेंस दे सर, सर आलोक जी, क्या मैं, क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली का मालिक नहीं कहा था? नहीं कहा था, दिल्ली का बेटा कहते हैं, वास्तव में कहते हैं। मैं अगर आपको वो वीडियो व्हाट्सएप पे भेज दूं जिसमें उन्होंने विधानसभा में कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं, तो आप ठीक है, अभी मैं भेजूंगा और इस वीडियो में हम लगाएंगे भी, यहाँ पे ये वीडियो पॉज होगा और ये वाला स्टेटमेंट लगेगा। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। अब अंतिम चीज पे आते हैं सर, और चूंकि आपसे तो मुलाकात लगातार होती रहेगी, अब तो शायद संगठन में ये चीज चुनाव के बाद ही पद परिवर्तन होंगे या उससे पहले भी होंगे, चुनाव के बाद होंगे, तो मतलब कि एक चीज फिक्स है कि अब आपकी हमारी मुलाकात लगातार चलती रहेगी। 5 सालों में लगातार हमें देखने को मिला है कि एक कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा रहा नगर निगम के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में। मुख्य पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट ये है कि फंड्स की क्राइसिस है। आप कह रहे हैं कि हमने पैसा दे रखा है, लेकिन आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में उसे लागू किया, ठीक है, जिसकी वजह से फंड्स की क्राइसिस हुई। उनका कहना है कि फिर पैसा दिया ही नहीं। आप दोनों का सच अपने अपने लिए सच है, लेकिन सफर किसको करना पड़ा? नगर निगम के कर्मचारियों को। क्या नगर निगम के लिए आपके पास कोई विजन है, आइडिया है? नगर निगम को आप कहाँ देखते हैं अगर आपकी सरकार आती है? क्योंकि मेरा मानना यह है कि गवर्नेंस के पास भी जिस तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक विजन होना चाहिए कि हम वहां देखते हैं, गवर्नेंस के अंदर भी एक विजन होना चाहिए कि हम अपनी इस सरकार को आज से 5 साल बाद यहाँ देखते हैं। दिल्ली नगर निगम देश की सबसे अमीर नगर निगम में आती है, साउथ साउथ तो आती है। हाँ, उसके बाद भी आप कर्मचारियों को पैसे क्यों नहीं दिए? साउथ में इतनी दिक्कत नहीं रही, नॉर्थ की बात करते हैं। देखिए इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि शीला दीक्षित ने निगम को 3 हिस्सों में बांटा, एसडीएमसी के पास फंड्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं, खर्चे उसके मुकाबले थोड़े कम हैं। एनडीएमसी की बात की जाए तो उनके पास 5 बड़े अस्पताल हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा है और फंड्स के सोर्सेज कम हैं। ईडीएमसी बेचारों के पास तो फंड्स का कोई सोर्स ही नहीं है, तो ये तो उसके ऊपर हम स्ट्रैटेजी की बात भी करेंगे ना। अब हम इस पे बात करते हैं, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो 30 साल पहले से केंद्र सरकार एक फंड जो है वो हर नगर निगम को देती है। बिल्कुल देती है, ठीक है। हाँ, जो हर समय के साथ में वो बढ़ाया जाता है। हाँ, क्या आपकी जानकारी में है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम के लिए फंड को बढ़ाया? नहीं। अब मेरी जानकारी में ये भी है कि ये 2017 की बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। मेरी जानकारी में ये भी है कि नरेंद्र चावला जो मेयर रहे, उन्होंने बकायदा फाइनेंस कमिश्नर को लेटर्स भी लिखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं ना। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। अब आप देखिए कि 30 साल पहले की नगर निगम और आज की नगर निगम में सैलरी को लेके, बाकी चीजों को लेके, खर्चे को लेके बहुत सारा बदलाव है। सबसे पहले तो आपने इतने मेयर्स बना दिए, इतने डिप्टी मेयर्स बना दीजिए, इतने, उसके बाद में जो फंड केंद्र सरकार को देना चाहिए जब वो नहीं दे रहे तो फंड की शॉर्टेज वहाँ होती है। दूसरी बात, आप कोई भी काम प्लान तरीके से नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी चीज को प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपके काम होंगे। मेरा मानना यह है कि साउथ MCD में जितना फंड आता है, अगर उस फंड को आप ढंग से इकट्ठा करके और कलेक्टिवली निगम के हित को आप ध्यान रखते हो, जनता के हित को आप ध्यान रखते हो, काम करेंगे, तो आपके पास में हाउस टैक्स से लेके एडवर्टाइजमेंट, बाकी जितने टैक्सेस और बाकी चीज़ों से पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आप पूरी तीनों नगर निगम को सिर्फ साउथ MCD के फंड से आप चला सकते हैं। तो आप लोग एक प्रस्ताव लाइए ना, तीनों निगमों को एक कर दीजिए। देखिए वो काम हमारा तो है नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप प्रस्ताव तो दीजिए, बात तो कीजिए। अब हमेशा अब ऐसे पल्ला झाड़ेंगे तो अच्छी चीज नहीं है। आप भी मानते हैं कि साउथ दिल्ली MCD तीनों नगमों को चला सकता है, तो साउथ दिल्ली MCD किसी के ऊपर किसी को वो क्यों करे? क्या कहते हैं? हाँ। पोजीशन जो है नॉर्थ MCD। अच्छा है, नॉर्थ MCD के पास भी। आप देखिए होता क्या है कि आज एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ,
आज मेरे ऊपर कोई टैक्स की लाइबिलिटी मान लीजिए 1,00,000 रुपए, आपने कह दिया ये आपका हाउस टैक्स है, ये आपका 1,00,000 रुपए का ये जो बन गया, ठीक है। आप उस पर दूसरे तीसरे दिन जब वो आदमी 2-3 दिन परेशान हो जाता है, तो एक एमसीडी के बाबू कहता है कि देखो भैया ऐसा है कि 20,000 रुपए तो मुझे दो और मैं तुम्हारा हाउस टैक्स 30,000 कर। अच्छा, ठीक ठीक है। आम आदमी कहता है मेरे तो 50,000 रुपए बच रहे हैं, हाँ। वो 20,000 उसे देगा, 30,000 का हाउस टैक्स भरेगा, लेकिन 70,000 रुपए का नुकसान जो है, हाँ। वो नॉर्थ एमसीडी को उठाना पड़ता है वो जो है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारी चीजों के टैक्स, एक चीज के नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब आपका जितना बोर्ड की एडवर्टाइजमेंट यूनिपोल से आप उस पर आप रिसर्च कीजिए, हाँ बिल्कुल, कितना पैसा, ये तो बड़ा प्यारा चीज है कि मेरी नॉलेज में ये चीज आई है कि कितना पैसा मिलता है, लेकिन एमसीडी इस बारे में विचार नहीं करती क्या कि यूनिपोल्स को इस रेट में इस टेंडर पे दिया जाता है जो एक व्यक्ति चला ही नहीं सकता, तो बाद में एक महीने बाद वो मना कर देता है, वो फाइल कहीं दब जाती है और वो चलता रहता है और आप लोग सदन में बैठ के चुप रहते हैं। हमारे जितने घोटाले पिछले एक महीने में, पिछले एक साल में, दुर्गेश पाठक जी जो हमारे एमसीडी के प्रभारी, चुनाव आने लगे तब ना, नहीं 4 साल से, कहां से, पिछले साल डेढ़ साल से, वो साल डेढ़ साल जब से बने, पिछले 2 साल से बने, जब विधानसभा के चुनाव होने के बाद दुर्गेश पाठक को एमसीडी का प्रभारी बनाया गया, तब से लेके अब तक कम से कम 100। दुर्गेश जी से इंटरव्यू करवाइएगा हमारा। हाँ, दुर्गेश जी दिल्ली आ जाएंगे जब आप कहेंगे तब। ठीक है, आज के लिए हम इतनी देर पे समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे हमारी लगातार बातचीत होती रहेगी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक चीज़ स्पष्ट है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव बेहद रोमांचित करने वाले होने वाले हैं, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये होगी कि क्या दिल्ली के मालिक वो सच में हैं या कांग्रेस की बैसाखी पर है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स नेशन लाइव अब तक लगातार ला रहा है। तमाम पब्लिक ओपिनियंस के लिए, तमाम उम्मीदवार के एपिसोड्स के लिए, तमाम जनप्रतिनिधि के एपिसोड्स के लिए, और जल्दी हमारी नई सीरीज कौन बनेगा मेयर के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।